जैसा कि सर यहाँ देख पा रहे हैं कि इमामगंज में अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, तो इस बार क्या मुद्दा होगा इस वोट करने का? मेन विकास का मुद्दा यहाँ पर यह समझा जाता है कि पिछले सरकार जो है ना खन इधर खन उधर जो हो जा रही है उस चलते विकास नहीं हो पा रहा है ना। अच्छा, इसी लोग को बदलाव चाहती है जनता, लेकिन देखिए अब जनता का क्या। तो विकास में कैसा विकास चाहिए? जैसे सरकार जैसे खरीदर खरीदर हो जाती है ना, उसके चलते जो विकास होना चाहिए नहीं विकास हो पाता। हर एक तरह का जैसे किसान से संबंधित है या पढ़ाई लिखाई संबंधित है, इसमें दिक्कत है। अच्छा अच्छा, और बेरोजगारी सब मुद्दा नहीं? बेरोजगारी तो नहीं है, बेरोजगारी ताकि यहाँ से बिहार है, बिहार के लोग का जो है ना हर एक राज्य के लोग जा रहे हैं काम करने। अगर यहाँ कुछ अच्छा विकास होता तो यहाँ भी लोग काम मिलता है, लेकिन यहाँ पर नहीं कुछ ऐसा। तो यहाँ यहाँ के जो पहले से माजी के जो मंत्री रह चुके हैं अभी भी हैं, तो वो विकास नहीं किए यहाँ? कोई विकास नजर नहीं आता है। कहे वो सुनते हैं पुल पुलिया बनाए, रोड बनाए, कोई नजर नहीं आ रहा है ऐसा कुछ, है ना? नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा। भैया नमस्ते। नमस्ते। इस बार जो आपके यहाँ उपचुनाव होनी है रानीगंज ये इमामगंज विधानसभा में, तो इस बार भैया क्या मुद्दा होनी चाहिए? यहाँ विकास अच्छा से हुआ है क्या? कहाँ कुछ हुआ है, कुछ हो रहा है थोड़ी ना, देख रहे हैं कितना आदमी जीता हारा, कुछ सब जीत रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा। क्या काम नहीं हुआ? हॉस्पिटल देख रहे कैसा हम लोग के। अच्छा, ये हॉस्पिटल? हॉस्पिटल है सरकारी। कौन ये वाला? वाला ये सरकारी हॉस्पिटल है? तो ये तो लग रहा है खंडहर बन गया भैया। हाँ, ये अंग्रेज की जमाना का हॉस्पिटल है क्या? इस पर जबकि यहाँ तो अभी तो माझी जी केंद्रीय मंत्री है, तो वो भी इस पर ध्यान नहीं दिए हैं। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है कि मतलब त्रिकोणीय श्रृंखला में दबदबा किसकी होनी है? जैसे किसका होता है नहीं होता, जीत के अपना घर मोरी आ जाते है ना, कोई काम नहीं होता। और यहाँ जो विद्यालय सब है सरकारी विद्यालय, उस समय पढ़ाई होता है खूब बढ़िया से? पढ़ाई होता है, कहाँ होगा पढ़ाई होगा। हाँ, एक चीज और बतलाइए कि जैसे कि अभी शराब के लेकर के बहुत चर्चा है, तो शराबबंदी मतलब है यहाँ? गली गली में मिलता है, गली गली में मिलता है। लेकिन हमारे सरकार तो कहते हैं कि शराबबंदी किए हुए हैं। समझिए कि कमाई बढ़ गया सर। हाँ, नेता लोग के कमाई बढ़ गया है, पुलिस धर लेगा, पुलिस 8,000 लेगा तब छोड़ेगा, है ना? ये वाला के धर, बेचे वाला के नहीं। और खेती बाड़ी इधर खूब बढ़िया होता है, है। इधर पुल पानी हुआ है तो हो रहा है धान, तीन साल से कहाँ हो रहा है। और रोड वोड एकदम हर जगह टकाटक है, रोड का हमने जगह तो रोडे नहीं है, हमने जगह रोडे नहीं, यानी कि आपके घर की तरफ रोड नहीं है। हम लोग आगे से जाते हैं आते हैं। तो फिर इतना दिन से वोट करते हैं, तो फिर उस पर जो है ना कोई मतलब नेता मतलब कुछ नहीं बोले हैं कि हाँ रोड बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ नहीं करते। और रोजी रोजगार के यहाँ बढ़िया व्यवस्था है, सब लोग यहीं कमाते हैं कि बाहर जाते हैं कमाने? हम लोग तो बाहर ही थे। अच्छा, हम लोग लॉकडाउन नहीं हुआ। हाँ, हम लोग गए नहीं, रहे यहीं रह गए, नहीं तो बाहर ही। अच्छा, अपना कमाते हैं जो आ जाए, दिन भर में 300-400 रुपया 7-8 बजे तक रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो कहने का मतलब है कि इस बार मतलब सरकार वही रहेगा या चेंज करना है? चेंज होना चाहिए। लेकिन बार बार तो देखते हैं बिहार के लोगों को कि जो है ना 5 साल तक गाड़ी बकते हैं सरकार को, और फिर लास्ट में उसी को वोट करके फिर उसी को सत्ता दे देते हैं, है ना? तो इस बार क्या प्लानिंग है? चेंज किया जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया।